हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप सब फर्स्ट वॉक कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों आज मैं बात करूंगा ग्रेवल 120। ये जो साइकिल है बेसिकली रोड साइकिल, ये लॉन्च हुआ है इंडिया में बीटविन की तरफ से और ये अब आपको मिलेगा डिकैथलॉन में, बेसिकली ऑनलाइन ज़्यादातर स्टोर्स में, जिस स्टोर में जगह नहीं है या जिस स्टोर पर रोड बाइक ज़्यादा नहीं बिकते वहाँ पे आपको ये फिजिकली नहीं मिलेगा, बट ऑन ऑर्डर आपको मिल जरूर जाएगा। तो लाइट्स को बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और मैं भी प्रॉपर तरीके से अभी इसको देखा नहीं हूँ, रीड नहीं किया, तो मैं भी आपके साथ रीड करता हूँ। तो पहले तो इसकी थोड़ी सी फोटोज देख लेते हैं। ये साइकिल है, कलर आप देख सकते हो, अब मेरे को पहचान सा नहीं आ रहा, डार्क ग्रीन सा कलर है। माइक्रो शिफ्ट के शिफ्टर है इसमें, बहुत ही बढ़िया सैडल्स है। और आप देख सकते हो जो ग्रेवल बाइक्स हैं उसमें आप रोड बाइक का हैंडल थोड़ा बाहर को तरफ जाता हुआ देख सकते हो। और इसमें जो टायर्स हैं, टायर्स काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी वाइड टायर्स होने की वजह से इसमें जो ग्रिप है, ग्रिप काफ़ी शानदार हो जाती है। आप देख सकते हो मस्त ग्रिप आ जाती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा क्लियरेंस होती है। क्लियरेंस की वजह से आप बड़े टायर्स भी डाल सकते हो इसमें, ऑलरेडी काफ़ी बड़ा टायर है आप देख सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा टायर आ सकता है अगर आप डालना चाहो, बट इतना काफ़ी रहता है। स्पीड भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती और आराम से चला सकते हो। और इसमें मडगार्ड बड़े आराम से लग जाएगा क्योंकि ये ग्रेवल बाइक है, वैसे रोड बाइक में आपको मिलता नहीं है फ्रेम में, बट इसमें आप मडगार्ड लगा सकते हो। आगे भी देखें अगर आगे वाले की, हाँ आगे भी, आगे दिख तो नहीं रहा इसमें होल, बट मे भी आप लगा पाओगे। अगर सामने दिखे तो देख के बंदा आराम से बता सकता है। और ये रही इसकी ड्राइव ट्रेन। ड्राइव ट्रेन काफ़ी बढ़िया है। सबसे जो बड़ा स्प्रॉकेट है वो है 42 टीथ का है, बहुत ही बढ़िया है। ड्रिलर की आप देख सकते हो बेल्ट, मेटल का बेल्ट लग रहा है देखने में तो। और पीछे आपको ये होल्स मिलते हैं जहाँ पे आप कैरियर को फिट कर सकते हो। और चेन भी बढ़िया लाइट वेट चेन लग रही है, बीच में कट ऑफ दिए गए हैं। बस इतनी सी थी फोटो। और इसका जो प्राइस है, प्राइस मैं आपको बता देता हूँ। साइकिल बहुत ही अच्छा बनाया है और टायर्स में भी, इसमें टायर्स कौन से हैं, टायर्स देखते हैं। टायर्स इसमें वाह, मेरे फेवरेट टायर्स है हचिनसन के, हचिनसन ओवरराइड का टायर है। ट्रेड इसमें अच्छा दिया है। और ये जो साइकिल है, ये साइकिल का जो प्राइस है 59,999 यानी 60,000, और 70,000 की लगभग इसकी MRP है। चलो इसकी अब डिटेल्स देखते हैं। अब कंपनी का तो बोलना है, ये उन्होंने ग्रेवल राइडिंग के लिए बनाया गया है साइकिल। सिंपल और वर्सेटाइल है, सिंगल चेन रिंग है आगे, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स हैं, हाइड्रोलिक नहीं है। हाइड्रोलिक नहीं है तो बढ़िया ही है, आप मैकेनिकल को कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, अपने मर्जी से टाइट या लूज कर सकते हो। और ट्यूबलेस कंपैटिबल जो रिम है वो ट्यूबलेस कंपैटिबल है, बट साथ में ट्यूबलेस टायर नहीं आता। और इसमें जो चेन रिंग है सिंगल, ठीक है, 38 टीथ की चेन रिंग है। और जो स्प्रॉकेट्स दिए गए हैं वो 11 से लेकर 40, यहाँ पे 40 लिखा है बट फोटो में 42 है। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है ऐसा क्यों। और एडवांटेजेस में देखते हैं, ये सिंपल इन्होंने बताया होता है, साइकिलिंग कंफर्टेबल ज्योमेट्री है, कार्बन फोक है, एल्यूमिनियम फ्रेम है, रेज्ड पोजीशन है फॉर कंफर्ट एंड कंट्रोल, मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आ जाते हैं, और कैन टेक मडगार्ड एंड पैनियर रैक इन फ्रंट एंड इन द बैक। ये बढ़िया बात है, इसको आप टूरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो थोड़ा बहुत लाइट अगर आपका सेटअप रहता है और आप बड़े आराम से उसमें चीज़ें रख सकते हैं। अब टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। अब यहाँ पे साइजेस तो सारे बताए होते हैं बट हमेशा सारे के सारे अवेलेबल नहीं होते साइजेस। फ्रेम के बारे में देखते हैं, जो स्टीयरिंग सॉकेट है वो हायर है, ऊपर दिया हुआ है, क्लासिकल जो रोड बाइक पोजीशन है उससे ऊपर दिया गया है, उसकी वजह से जो इसका
सिटिंग पोजीशन है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है। और 6061 T6 स्लोपिंग एल्यूमिनियम फ्रेम है विद सेमी इंटीग्रेटेड हेडसेट। इंटीग्रेटेड हेडसेट मैं आपको दिखाऊंगा अगर किसी दिन मेरे को मौका मिला। 1800 ग्राम का साइज़ ME इसका फ्रेम वेट है। कार्बन फोक अच्छा है, बट अगर स्टील फोक होता तो वो भी बढ़िया था, क्योंकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, वो ज़्यादा रफ हैंडलिंग, ज़्यादा ओवरवेट अगर हो जाए साइकिल को वो सह सकता है। बट कार्बन फोक भी बेटर है, कंपनी का अच्छा कार्बन फोक है तो आराम से ले सकता है। अब यहाँ पे लिखा भी है मैक्स लोड ऑन द फोक 9 kg, यानी आप अपने पैनियर प्लस जो साथ में सामान रखोगे 9 kg तक का वेट उठा सकते हैं। खुद 750 ग्राम का और 9 kg तक वेट ले सकता है। अब जो हैंडल बार है, हैंडल बार का फ्लेयर दिया गया है, मैंने आपको बोला था ना साइड को थोड़ा सा एंगल दिया होता है, वो 16 डिग्री का फ्लेयर है बेटर ग्रिपिंग के लिए। और 3 साइज कंपनी बोल रही है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। सिंगल चेन रिंग, हाँ यहाँ पे 42 दिया है ना ऊपर, मेरे हिसाब से टेक्स्ट मिस्टेक हो गई होगी। 11 से लेकर 42 का जो स्प्रॉकेट है, जो कैसेट है, वो दी गई है। और चेन रिंग है 38, और इसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है इन्होंने स्टर्डी माइक्रोशिफ्ट XLE 10 स्पीड शिफ्टर है। 10 गियर्स हैं अपने पास इसमें, काफ़ी कंफर्टेबल अर्गोनॉमिक बोल रही है कंपनी। क्लच सिस्टम है टू होल्ड द रेल एंड प्रिवेंट चेन फ्रॉम जंपिंग, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये आपको नहीं मालूम तो इसमें आप डेरेलर का जो टेंशन है उसको आप एक क्लच से, एक लीवर होता है छोटा सा बटन मान लो, उससे आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लो अगर आपने चेन वगैरह नहीं डालनी है, ठीक है, या कुछ कर रहे हो, वॉशिंग कर रहे हो, तो क्लच को खोल के उसको थोड़ा रिलीव कर सकते हो डेरेलर को। और जब आप राइडिंग कर रहे हो, जब चेन लगने वाली है फ्रेम पर बहुत ज़्यादा, अगर नॉर्मल हो ना डेरेलर, उसमें बहुत ज़्यादा फ्रेम बचती है नीचे नीचे फ्रेम पे, तो ये क्लच की वजह से जो स्प्रिंग का टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो स्लैपिंग नहीं होती, चेन स्लैपिंग बोलते हैं इसको। और क्रैंक सेट इसमें कौन सा दिया है, 170 mm का क्रैंक सेट है इसमें, बट कंपनी का नाम नहीं बताया गया। ब्रेक्स प्रो मैक्स की डिस्क ब्रेक्स हैं, फ्रंट वाली और रियर वाली बताई गई है आपको, DSK 330R और रियर में DSK 300R, दोनों ही 160 mm की फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक्स हैं। और जैगवायर की हाउसिंग दी गई है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हाउसिंग होती है इनकी, वायर्स होती हैं। अब इसमें हाउसिंग दी गई है तो बहुत ही बढ़िया है, सेमी मेटेलिक पैड्स है, सेमी मेटल पैड्स है इसमें, और ट्यूबलेस रेडी बीज है जैसे मैंने आपको बताया। जो रिम्स का साइज है, रिम्स का साइज है 622x23C, बहुत ही अच्छा है ये तो। और स्टील की स्पोक्स हैं, ये बढ़िया इन्होंने किया है फॉर इम्प्रूव्ड रिजिडिटी। 28x28 का है सेट, 28 सामने है, 28 रियर में है। और सील्ड बेयरिंग्स हैं, वेट पर पेयर, यानी दो व्हील सेट का कैसेट उतार के और क्विक रिलीज उतार के 2300 ग्राम का वेट आता है। और टायर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे फेवरेट टायर्स है हचिनसन के, ये मैंने बिटवीन के साइकिल में जिस भी साइकिल में देखे ना आज तक, अभी तक इसमें क्रैकिंग नहीं आई है। बहुत बहुत पुराने साइकिल देखे हैं, बिल्कुल भी क्रैकिंग मैंने नोटिस नहीं किया है। और इसमें जो TPI है, जो टायर्स की ये होती है, TPI का मतलब होता है थ्रेड्स पर इंच, ये है 33। और मिनिमम इसमें आपने प्रेशर रखना होता है 43 PSI और मैक्सिमम टायर का प्रेशर है 80 PSI। इसमें बिटवीन की ही सैडल है, सैडल बहुत अच्छी है, बहुत लाइट वेट और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, काफ़ी लंबी सैडल आती है ये और बढ़िया रहती है, मैंने ये देखी हुई है, डिकैथलॉन में भी अवेलेबल है। और जो साइज़ ME इसका वेट है वो है 11 kg के आसपास। चलिए थोड़ा बहुत रिव्यू पढ़ लेते हैं, बट रिव्यू ज़्यादातर बाहर के ही है तो क्या ही पढ़ें, बस सीधा थम्स अप दिया गया है। यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे कुछ कंप्लेंट्स की है, अब पता नहीं क्या कंप्लेंट की है, थोड़ा बुज़ुर्ग सा बंदा है, 39 ईयर्स की ओल्ड कैटेगरी में है ये, बुज़ुर्ग नहीं हुआ, अपनी कैटेगरी का ही आ गया। तो ये था ये साइकिल के बारे में, साइकिल बहुत ही बढ़िया है, साइकिल अच्छा है।
मेरा तो मन है ये साइकिल लेके निकल पड़ो, बट कितने पैसे भी होने चाहिए जेब में। तो साइकिल मस्त है, कलर मेरे को बहुत अच्छा लगा। कलर बेसिकली इन्होंने ऐसा रखा है, आपने इसको मिट्टी में लेके जाना है, ठीक है, ग्रेवल बाइक है तो इसको उस हिसाब से यूज करना है। तो कलर भी उस हिसाब से रखा है, लाइट कलर रखेंगे, व्हाइट कलर रखेंगे, ठीक है, या लाइट कलर की वजह से उसमें स्क्रैचेस आराम से दिख सकते हैं, साइकिल गंदा दिखेगा, बट ये कलर मस्त है, ज्यादा जल्दी गंदा नहीं होगा। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बढ़िया लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, और मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी साइकिलिंग, बाय बाय।